ये देखिए हमने अपने मिनी जू की तैयारियां शुरू कर दी। माशाल्लाह पेंट हो जाना है, वो देखिए पेंट भी आपके सामने बन रहा है और इधर हमारा मास्टर केज बन जाना है। आप बस यार 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, तकरीबन हमारे 300 रह गए हैं मेरे ख्याल से, नहीं 350 मेरे ख्याल से रह गए हैं सब्सक्राइबर, तो आप जल्दी करवाएं ताकि हमारा मास्टर केज बन सके और इधर हमारे एक जू का एक अच्छी सी लुक मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो इधर भाई हमने पेंटिंग करवानी है, भाई हमारी ना पेंटर से बात हुई, उसने कहा भाई आप जब भी ऑर्डर दोगे तो हम तब भी हाजिर हो जाएंगे। इधर हमने ऐसे परिंदे बनवाने की इस तरह लेके गए, दीवार से बाहर आ रहे हैं, इस तरह जंगल टाइप बना देने, हिरने भी बना देनी है, मकाओ लैला मजनू हिरन जा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप? ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर आ गया यार। आज ईद का तीसरा दिन है, बारिश इतनी ज़्यादा हुई मैं आपको बता नहीं सकते। देखिए डब्बे पानी के भरे हैं, हमारा सारा सेटअप ना गीला हो गया। बस मुझसे एक ये गलती हुई कि मैंने ना अपने सेटअप की सफाई नहीं की और जो सा हमारा केज है वो अंदर से गंदा आ गया है, तो उसकी ना ज़्यादा अंदर से बदबू आ रही होगी, इसलिए मैं ना अपने परिंदों को जो सा वो खोलने लगा हूँ। दरवाज़ा खोल दिया भाई, बड़े फौजी बाहर आएंगे माशाल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी करो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सारे बाहर आ रहे हैं। आ जाओ भाई माशाल्लाह, काफ़ी दिन बाद इन्हें केज से खुद बाहर निकाल रहा हूँ, वरना ये ना अंदर ही मैं पकड़ कर निकाल लेता था। इनका यार कद भी बहुत ज़्यादा छोटा रह गया, तो इसलिए अभी इन्हें अंदर खुला ही छोड़ना करने। हमने दाना मैंने पकड़ लिए, ये डाल देते यार, गंदम हमारी यार गीली होगी। मैंने तो इन्हें उनके पीछे रखा था लेकिन ये पता नहीं क्यों गीली होगी, ये समझ नहीं आ रही यार। ये देखिए सारी गीली, अब इस तरह ही डालते हैं इन्हें, गुजारा करेंगे, क्योंकि भाई गंदम पानी वाली ना बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, तो इस तरह ही डाल देते हैं इन्हें। आ आ देखिए माशाल्लाह हमारी बाजी कबूतरी भी नीचे आ गई है, अफान ने भी भाई उधर अपने कबूतर खुले छोड़े हुए हैं क्योंकि आज बारिश का मौसम था। भाई गंदम तो इन लोगों ने खा लिया है, अब हम ना अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, वो ऊपर बैठ गया, उससे आसमान की बुलंदियों में हमने लगा देना है। अफान का नए वाला बच्चा भी उड़ गया था माशाल्लाह, इसे भी उड़ाते हैं हम अब। ये देखिए ऊपर बैठकर गंदम खा रहे हैं, इसका पेट अभी भी नहीं भरा सारा यार, इन लोगों ने ना प्याला हमारा ख़त्म कर दिया, इसे उड़ाते हैं हम। वो देखिए यार दूसरी छत पर बैठ गया यार, मैंने ना वो जुगाड़ करने, जिस तरह वो झंडी नहीं बनाते वो हमने बनानी, जिस तरह हम वो पट्ठों की बनाते थे खरगोश के चारों की, तो इसे उस तरह ही हमने ना आधी करने, इस तरह उड़ाना है और ये आसमानों की ऊंचाइयों में इंशाल्लाह जल्द ब जल्द लग जाया करेगा खुद ब खुद। ये देखिए इसका उड़ने का दिल कर रहा है लेकिन ना कोई इसका साथ उड़ने वाला नहीं है यार, ये उड़ जाता है कभी कभी अपनी मर्जी से, इसकी भी बुरी आदत है कि वो वह सामने वाली टैंकी पर जाकर बैठ जाता है। भाई अपने हमने ना अपने हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया, अभी इसे आसमानों की बुलंदियों में उड़ाते हैं। देखें इस तरह, देखिए अभी उड़ेगा, देखिए कितनी प्यारी आवाज़ निकाल रहा है, अभी देखना भाई आसमान में इंशाल्लाह ये जल्दी जल्दी ना इसने आसमानी की बुलंदियों में लग जाना है। देखना अभी भाई जाएगा ऊपर, ऊपर इसने भाई जाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि हमने अपने मिनी जू पे ना पेंट करवाना है, इधर सारे इधर वाइट पेंट करवा देना है, तो मुझे ना आपकी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। आपको मैंने कहा मेरे जल्दी जल्दी ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे ताकि हमारा मास्टर केज भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बन जाए, लेकिन उससे पहले ना हमने अपने सारे ना मिनी जू इधर पेंट करवाने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था ईद जिस तरह ही ख़त्म होगी तो हमने ना अपने जू में पेंट करवाना शुरू कर देना है, तो भाई मैंने सोचे आज ही ना हम वो पेंट ले आए, क्योंकि एक दो दिन पहले भी होकर रख देंगे फिर ना अच्छी तरह पक्का हो जाएगा, जिस तरह हमारा ये वाला आ गया, क्योंकि भाई ये हमने दो दिन भी गई रखा था तो इसलिए पक्का हो गया, वरना एक दो घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यार हमारा हेलीकॉप्टर टाइम से भी पहले ना नीचे उतरा है, इसके काम चेक करें। तो इधर भाई हमने पेंट करना है, तो अब चलते हैं बाज़ार, वहाँ से हम लेके आते हैं पेंट, वाइट पेंट या फिर चूना होता है, जोन सा भी ये चूना था मेरे ख्याल से, तो अब चलते बाज़ार हम चूना लेने, इधर जोन सा हमने अपने मिनी जू में करना है। भाई मैं ना अभी बाज़ार जाने लगा था लेकिन मेरी ना इस पर नज़र पड़गी यार, ये देखिए इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है, पता नहीं इसे क्या हो गया, सारे ना गंदा हुआ पड़ा है। ये देखें इसको ना लगता है पानी में ये डूब गया, बारिश आई थी अंदर तो ये लगता है भाई ये वाला हमारा बच्चा ना पानी के अंदर डूब गया। इसकी हालत देखे, इसे बाहर रखती, इसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, वरना ये माशाल्लाह यहाँ से लेके वहाँ तक ना आराम से फ्लाइंग कर लेता था। ये देखे यार इसे दाना डालते जल्दी जल्दी क्योंकि इसे भूख भी लगी होगी। वो देखिए हमारा हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है और वो रेड लाल कबूतरी भी उड़ रही है माशाल्लाह, बाजी कबूतरी। ये देखिए बच्चा यार हेलीकॉप्टर जल्दी बैठ गया हमारा, ये दाना इधर से इकट्ठा करते हैं और वो डाल देते हैं उधर, चलो यार इधर डाल देते हैं क्योंकि वो बच्चे की हालत देखे कितनी गंदी हो गई है।
तो फाइनली दोस्तों मैं ना चूना ले आया हूँ, मेरा भाई ना आधा इसमें डाल देगा और आधा इसमें, तो हम ना एक दो दिन भी घोल कर रखेंगे इंशाल्लाह, फिर भाई पक्का रंग हो जाएगा। जिस तरह ये उतर ही नहीं रहा, वरना एक दो बार हमने पहले पहले किया था तब हम ना व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो यार वो जल्दी जल्दी ना एक दो दिन में ही चूना उतर गया था। एक बार बारिश पड़ी वह सारे ही उतर गया, लगता है मेरे कज़न ने बच्चे भी निकाल दिए, देखे इधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े हो गए हैं भाई, ये देखें बहुत ही ज़्यादा। मेरे भाई ने लगता है चूना क्यों से हाफ हाफ कर लिया, ये देखें ये सारा अभी ना हमने आधा आधा कर लेना है। तो स्टिक लेके आओ, स्टिक यार मिक्स करना है उसके साथ। भाई हमने बड़ी स्टिक ले लेनी है, ये वाला पावा ही ले लेते हैं, ये लो माद, ये लो भाई हमने स्पेशल मंगवा लिया, ये देखें लाहौर में भी है, वो इस तरह ही लस्सी बनवाते हैं, बड़े मशहूर है, मुझे उनका नाम भूल गया। हम भी ये देखें स्पेशल बना रहे हैं लस्सी भाई। इसका कलर वाइट क्यों नहीं है, हैं हमाद? अभी हो जाएगा, ये देखो उबाले आएंगे, इससे गर्म हो जाएगा फुल भाई। भाई बाजार वाले ने बताया अंदर हाथ ना डाल देना गलती से, वरना हाथ जल जाता है। मेरे भाई का भी एक बार ये वाली दो उंगलियां ना जल गई थी, क्योंकि जब हमने ये किया था ना उससे पहले हमने नीचे भी थोड़ा सा किया था, तभी इस तरह ही हुआ था। वो देखिए अंदर भाई फेर रहे डंडा। अरे भाई मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं बाजरा ही लाना भूल गया, ये देखिए मेरा पूरा ही प्याला ख़त्म हो गया, गंदम का भी मैं कल लेके आया हूँ। यार इन लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा ना खाना शुरू कर दिया है, उधर से अब ना सूखी रोटियाँ खा रहे हैं वो हमारे कबूतर, वो देखें जो से हमने उस दिन डाली थी। तो यार कल से ना इनकी रूटीन बनाएंगे अच्छे तरीके से, इन्हें खुराक दिया करेंगे। तो यार बस आपकी सपोर्ट है, आप ना हमारी वीडियो एंड तक देखा करें ताकि हमारा जल्दी जल्दी वॉच टाइम पूरा हो सके और हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। पानी और लेके आओ यार, इसमें ना मैं नीचे पानी लेने जा रहा हूँ, तो अभी कोई भी नहीं वीडियो बनाएगा, इधर ही स्टॉप करते हैं, तो मैं पानी लेके आता हूँ नीचे से। तो दोस्तों मैं ना दूसरी बाल्टी भी लेके आ रहा हूँ, भाई ना मिक्स कर रहे हैं, मैं नीचे हाथ लगा के चेक करता हूँ कि गर्म है या नहीं। वो भाई इतना ज़्यादा गर्म है, मेरे तो हाथ जलने लगे थे, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो गया। इसके पास कान चेक करते हैं, यार आपको शायद आवाज़ ना आ रही हो, मुझे आ रही है गुरु 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 की आवाज़ आ रही है, इसमें से ज़्यादा आएगी क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा आ गया। देखिए कितनी ज़्यादा ना मिट्टी उड़ रही, मिट्टी नहीं धुआं उड़ रहा है एक साहब का, अभी ये उबाले खाएगा देखना। ये हम मिक्स कर देते हैं ये वाला, भाई साहब ये ना हमने ऊपर नहीं रखना क्योंकि एक तो ऊपर खतरा है ये हमारे परिंदों का क्योंकि ये पी ना ले, दूसरा खतरा ये है कि इधर से पता नहीं मेरा कोई कज़न आए और वो गिरा दे, क्योंकि मेरे कज़न जो उनसे ना बहुत ही शैतान चलाक हैं, वो गिरा देते हैं हमारे दाने भी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने गिराए होते हैं और सारी छत पे ना इधर इधर जो उनसे है वो सारे गिरे होते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरा बड़ा भाई ना ये मिक्स करके चला गया, उसने कहा आपने खास ख्याल रखना है कि कोई ना डक आपकी इधर ये खा ना ले वरना भाई इनके मुंह जल जाएंगे, तो इसलिए छोटू गैंग को ना अब हम बंद कर देते हैं। यार आप ना व्यू चेक करें हमारे बुरे वाले शहर का, इतना प्यारा मौसम है ना इधर से चेक करें, साइड पर बादल ब्लैक है, ऊपर जो उनसे ब्लू आसमान, चेक करें यार। आप ना जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं ताकि हमारा मास्टर केज बन सके और ये डक बेबी ना ग्रोथ नहीं कर दी, वरना ये तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, बस इनके कद छोटे रहते हैं। उधर देखे हमारे वो हीरांजा भी बड़े हो गए, अब भाई मैं अंदर पहुंच गया, कबूतरी हमारी बाहर है, इसके ना अब चेक करते हैं अंदर क्या है। ओ भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, माशाल्लाह यार हमारी कबूतरी ने अंडे दे दिए, इसको भी चेक करते यार इसने दिए या नहीं। ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह यार, भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी कबूतरियों ने अंडे दे दिए यार, दोबारा ऐसे हो ही नहीं सकता। ये देखे सारे बच्चे भी दोबारा आ गए, मैं अंदर गया, अली भी आ गया, यार काफ़ी दिनों बाद मैं तो इससे नाराज़ हूँ, इतने दिनों बाद आ गया। तैमूर भी भाई मेरा यार आ गया, देखे हेलो तैमूर कैसे हो आप, ठीक हो, आपको खुशी है कबूतरों ने अंडे दे। सारे यार अंदर चले गए, आपको क्या पता, आप तो भाई ये काफ़ी दिनों बाद आया, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि हमारी कबूतरी ने यार दोबारा अंडे दे दिए, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊपर से मेरा कज़न नेस्टिंग मटेरियल भी ले आया है, मैंने उसे आवाज़ दी, तो ये देखिए अभी उसके ना ये वाली कबूतरी के नीचे हमने रखने हैं क्योंकि यार इसके लिए बहुत ज़रूरी है नेस्टिंग मटेरियल है, तो वो उसने ना वो शैल के ऊपर ही अंडे दिए, ये मैं खुद ब खुद रख दूँगा अंदर। ये देखे हमारे जो से सारे परिंदे हैं इधर फिर रहे हैं, मगरिब की भाई अजाने भी शुरू हो गई है, देखे शाम होगी। यार वो सामने वाला सीन और मंजर चेक करें, अल्लाह ताला की कुदरत, इतना प्यारा मौसम है ना, अब दिल करता है
बस देखते ही रहे। लेकिन भाई नमाज भी ज़रूरी है, तो भाई अपने व्लॉग का इधर ही एंड करते हैं। तो उससे जाने से पहले यार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें, और हमारा वॉच टाइम भी यार लाजमी कंप्लीट करवा दें यार। हमारे ये मास्टर केज ना अधूरा अधूरा लग रहा है, आप ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाएं, और ये हमारा मास्टर केज इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे बड़े बड़े टारगेट आएंगे, हमें और भी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह। हम सारी मुश्किलों को आसानी से पार करते हुए अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। उधर की तरह हमने पेंटिंग भी कर लेनी है भाई। दोस्तों यदि हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल इसरार के जो का सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।